दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल कुकिंग इन द वुड्स में। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा कलेजी। कीमा कलेजी कैसे बनाते हैं, देखते हैं इसकी विधि। सो दोस्तों, कीमा कलेजी बनाने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं देखते हैं। हमने लिया है 2 से 3 बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कुटी हुई 4 से 5 हरी मिर्च, 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ा नींबू का रस, बारीक कुटा हुआ काली मिर्च, बारीक कुटी हुई लाल मिर्च और धनिया बारीक कटा हुआ। सो दोस्तों, सूखे मसाले पे जाते हैं। सूखे मसाले में मैंने यूज़ किया है पहले खड़े मसाले में मैंने तेज़पत्ता लिया है। तेज़पत्ते के साथ में मैंने लिया है दालचीनी, उसके बाद में काली मिर्च, लौंग और 2 इलायची। ड्राइड मसाले में ये मैंने यूज़ किया मटन मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर, ये कस्तूरी मेथी, लाल मिर्च और नमक स्वाद अनुसार। सो दोस्तों, अब बनाते हैं हमारा मैरिनेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कीमा कलेजी का। कीमा कलेजी में सबसे पहले मैं ऐड करूँगा हमारे बारीक कटा हुआ प्याज। इसको अच्छी तरीके से एक मिक्स कर देंगे हम। प्याज हमारा अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर दिया। अब इसमें हम डालने वाले हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। ये हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट गया है। अब इसे अच्छे इस तरीके से हमने मिक्स करना है ताकि ये पूरा हमारे कीमा को अच्छी तरीके से कोट हो जाए। अब दोस्तों, मैं ऐड करने वाला हूँ कुटी हुई हरी मिर्च। उसके बाद मैं ऐड करूँगा दोस्तों कुटी हुई लाल मिर्च, उसके बाद में कुटी हुई काली मिर्च और ये बारीक कटा हुआ धनिया, और सबसे आखिरी में ऐड करूँगा लेमन जूस। ये सब चीज़ को अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगा। सो दोस्तों, अब हम बनाने जा रहे हैं हमारा कीमा कलेजी। पहले गैस ऑन कर लेते हैं, के साथ साथ मैं ऐड करूँगा ऑयल हमारे पैन में। दोस्तों, हमारा ऑयल अब गर्म हो चुका है। अब हम इसमें सारे हमारे खड़े मसाले ऐड कर देंगे। इसको हल्का सा एक ब्राउनिश कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे हमारे खड़े गरम मसाले को। दोस्तों, हमारे खड़े गरम मसाले भी हल्के से ब्राउनिश कलर हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने कीमा को मैरिनेट किया था वो सारा कीमा हम इसमें धीरे धीरे ऐड करेंगे। हमने हमारा कीमा ऐड कर दिया है दोस्तों, आप देख रहे हैं। इसको अब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे हम इस तरीके से ताकि ये पूरी तरीके से पक जाए। अब हम दोस्तों इसे कुछ 4 से 5 मिनट के लिए इसे ढक्कन लगा के पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरीके से पक जाए। दोस्तों, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम हमारी कीमा को खोल के देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, कीमा ने जो पानी छोड़ना था उसने छोड़ दिया है। अब हम दोस्तों इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे हमारे स्वाद अनुसार ताकि कीमा थोड़ा सा टेंडर और जो हमने प्याज वगैरह ऐड किए थे वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए।
सो दोस्तों इसको 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, कीमा को हमने ढक के पकाया है। अब हम उसे खोल के उसका पानी ड्राई कर लेंगे। बहुत बढ़िया स्मेल आ रहा है दोस्तों, वाओ लवली। ये देखिए दोस्तों, कीमा अच्छे से पकना चालू हुआ है, वाइटिश कलर में हो गया है कीमा। अभी जो इसका पानी है, इसने पानी, प्याज और कीमा ने जो पानी छोड़ा था, उसे हमें अच्छी तरीके से ड्राई कर लेंगे। हाई फ्लेम पे पकाएंगे दोस्तों इसको। सो दोस्तों हमने इसे खोलकर अच्छी तरीके से पका लिया है, इसका पानी पूरा ड्राई कर लिया है। जो कीमा कलेजी है हमारा, उसने पूरा तेल छोड़ दिया है। अब हम इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि जो हमारा कीमा है वो अच्छी तरीके से पक जाए। सो दोस्तों हमारा कीमा कलेजी का पानी पूरा ड्राई हो चुका है, तेल छूट चुका है, हमने अच्छी तरीके से इसे भून भी लिया है। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं दोस्तों हमारे ड्राइड मसाले। सो सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगा, ये है लाल मिर्च, उसके बाद में गया ये हमारा हल्दी पाउडर और ये धनिया पाउडर। ये तीन चीज़ हम ऐड करके इस अच्छी तरीके से मिक्स करके इसको भून लेंगे। अब दोस्तों बारी आती है हमारे कस्तूरी मेथी की, ड्राइड मेथी लीव्स इस पर ऐड कर देना है। उसके बाद में ये है मटन मसाला, ये भी ढेर सारा मटन मसाला इसमें गया, और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक। याद रखना हमने नमक पहले भी ऐड किया है, तो अपने स्वाद के हिसाब से नमक ऐड करिएगा। अब इसे हम अच्छी तरह से एक बेहतरीन मिक्स दे देते हैं और थोड़ा सा इसे सॉटे कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा जो कीमा कलेजी है वो अच्छी तरीके से भून चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 ग्लास ऑफ वाटर और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। सो दोस्तों हमने इसमें डाला है 1 ग्लास ऑफ वाटर। अब इसमें हम एक उबाल आने के बाद में इसे ढक के पकाएंगे। हल्का सा बबल आना चालू हो गया दोस्तों। अब मैं इसे अच्छी तरीके से ढक के कुछ 5 to 10 मिनट इसे स्लो कुक करूँगा, उसके बाद में ओपनली कुक करूँगा। सो दोस्तों हमारे कीमा कलेजी को पकते हुए अभी 15 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसे ओपन करके देखते हैं क्या है इसकी हालत अभी। वाओ क्या स्मेल है यार, बहुत बढ़िया। इसे एक हल्का सा मिक्स देते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब इसे हम, हमारा जो कीमा है वो अच्छी तरीके से पक चुका है। अब मैं दोस्तों इसको ओपनली कुक करूँगा ताकि इसका पानी अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए और सेमी ग्रेवी बन जाए। सो दोस्तों हमारा कीमा कलेजी ये देखिए बेहतरीन तरीके से रेडी है, तेल भी ऊपर आ चुका है, स्मेल भी बहुत अच्छा आ रहा है। अब तो मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ, उसको फटाफट सर्व करते हैं। ये देखिए कीमा भी अच्छी तरीके से पक चुका है, हल्की ग्रेवी भी आ चुकी है, तेल भी छूट चुका है। अब हम इसे सर्व करते हैं कुछ गार्निशिंग के साथ। सो दोस्तों हमारा कीमा कलेजी रेडी है, हमने इसे गार्निशिंग किया है अनियन लेमन के साथ में और थोड़ी सी धनिया के साथ में। आप देख सकते हैं काफ़ी टेस्टी लग रहा है, स्मेल तो बहुत अच्छा आ रहा है। इसे ट्राई करिए दोस्तों घर पे इस तरीके से कीमा बनाने के लिए, और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कीमा कलेजी कैसा बनाएं।